सके। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में एक्स सर्विसमैन रैली का इनकार किया गया है। फौज ने इस रैली का इनकार किया है। शिकायत के अजाले के लिए स्टॉल कायम किए गए हैं। वीर नारीज के लिए खसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। कई आला फौजी अफसरान भी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में वीर नारीज और एक्स सर्विसमैन ने शिरकत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, इस खास रैली का इनकार किया गया है, इस बारे में हमें बताएं। जी देखिए, ये एक्स सर्विसमैन रैली हमेशा इसलिए आयोजित की जाती है कि इसमें जो फौजी सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको उनकी कई तरह की मुश्किलें उनको पेश आती हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाती है सही ढंग से, जिसकी वजह से जो फायदे होते हैं एक्स सर्विसमैन को मिलने वाले वो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह की जो रैली, उसका मकसद यही होता है, एक तो जो उपलब्धियां हैं जो हाल ही के दिनों में जो उनके लिए फैसिलिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी घोषणा की गई है, या उसके साथ साथ जो भी उनके लिए फायदे के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स एक्स सर्विसमैन लीग बनाती है उसको उनके सामने रखना होता है, पेश करना होता है। क्यों? और ये जो एक्स सर्विसमैन रैली है इसमें नॉर्दर्न कमांड के जीओसी जो खुद यहाँ पे मौजूद होंगे कुछ ही देर के बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे ग्रेवियंसिस बूथ जो है वो लगाए गए हैं। ये बूथ इसीलिए लगाए गए हैं, यदि कोई एक्स सर्विसमैन है जो अपने रिकॉर्ड को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल तरीके से नहीं दर्ज करवा पाया है तो वो यहां पे करवा सकता है। ये एक ही जो है प्लेटफॉर्म पे उनको तमाम वो सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। अगर किसी का नाम गलत है या कोई रजिस्ट्रेशन में कहीं दिक्कत आ रही है उसको, तो यहां पे जो सेना की असिस्टेंस है वो हमेशा इनके साथ रहती है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के साथ यहां पे सेना के फौज के जवान जो है वो बैठे हैं, और ऑन द स्पॉट जो भी कोई ग्रीवेंसेस है, कोई मुश्किलें हैं उसको हल किया जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेडिकल कैंप लगाया गया है, ताकि यदि कोई एक्स सर्विसमैन है जिसको कोई मेडिकली कोई अनफिट है, प्रॉब्लम है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहां पे चेकअप उनका किया जाता है। डॉक्टर्स की एक टीम जो फौज की तरफ से यहां पे मौजूद है, और उसके साथ साथ जो अहम फंक्शन है वो आपको दिखाते हैं कि जीओसी यहां पे पहुंच गए हैं, जीओसी नॉर्दर्न कमांड यहां पे पहुंचे हैं, वो भी एड्रेस करेंगे। ये एक मौका होता है जब फौज ये बताती है अपने जो फॉर्मर जो फौजी होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, कि फौज हमेशा उनके साथ है और कभी भी उनको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो इस तरह के जो एक्स सर्विसमैन रैलीज हैं वो आयोजित की जाती हैं ताकि उनका अजाला किया जा सके जो भी उनको दिक्कतें आने वाली हैं, और जो उनके वेलफेयर के लिए जो काम काज किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं तमाम सीनियर ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन और उसके साथ साथ खुद जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर इन चीफ हैं वो यहां पे मौजूद हैं। और ये जो है विश्वास बहाली एक बनाई जाती है एक्स सर्विसमैन के बीच में कि फौज हमेशा उनके साथ खड़ी है, अगर कोई भी उनको दिक्कत या ग्रीवेंसेस आती है मौके मौके पर इस तरह की रैलीज को आयोजित किया जाता है। क्योंकि कई दफा ये कहा जाता है एक्स सर्विसमैन की तरफ से कि उनको कई ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनकी मालूम हासिल नहीं हो पाती है, तो वही मालूम उनको देने के लिए जो है ये तमाम एक्स सर्विसमैन के साथ एक रब्ता बनाए रखने के लिए और उनको क्या कुछ मुश्किलें दरपेश है वो एड्रेस करने के लिए और उनको जो है स्कीम्स के बारे में बाखबर रखने के लिए इस तरह की रैलीज का इनकार किया जाता है जिसमें हाई ऑफिशियल्स शिरकत करते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। राजन, तमाम तर तफसलात के लिए बेहद शुक्रिया आपका। जेके लिश लाइव में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।